अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जमात के टू का उर्दू का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। उनवान है हमारा सबक नंबर 1 हम्द। आज हम इसका कॉपी वर्क करेंगे। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप उर्दू 1 की कॉपी निकालेंगे, उसके ऊपर आप पेज रेडी करेंगे। लास्ट टाइम हमने अल्फाज मनी किए थे, आज हम इसके जुमले कर रहे हैं। इसके लिए आप पेज रेडी करेंगे, डेट लिखेंगे, उसके बाद ये आपका घर का काम है, होमवर्क करेंगे आप इसका, इसलिए दरमियान में लिखेंगे घर का काम, और यहाँ पे आप दिन लिखेंगे, जो भी डे होगा वो लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सबक नंबर 1, उसका नाम लिखेंगे हम्द, उसके बाद आप लिखेंगे अल्फाज जुमले, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये अल्फाज दिए गए हैं जिनके आपने जुमले खुद से बनाने होंगे। ये आपका होमवर्क है, आपने अच्छे तरीके से ये उर्दू 1 की नीट कॉपी पे करना है। पहला हमारा लफ्ज़ है बरकत, लफ्ज़ नंबर 2 शान, लफ्ज़ नंबर 3 रब, लफ्ज़ नंबर 4 रा। स्टूडेंट्स, आपने इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं खुद से, अपने पेरेंट्स की हेल्प से नीट राइटिंग में आपने ये जुमले लिखने हैं, और आपने ये काम अच्छे तरीके से करना है। स्टूडेंट्स, ये जुमले आपने एक पेज पे करने हैं। अब आगे हम सवाल जवाब करेंगे, वो आपने नेक्स्ट पेज पे करने हैं। स्टूडेंट्स, जब आप नेक्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे सवाल जवाब के लिए, तो आप फिर से तारीख लिखेंगे, डेट, दरमियान में जमात का काम, और यहाँ पे दिन लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे सबक नंबर 1 हम्द, उसके बाद स्टार बनाएंगे और लिखेंगे दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। उसके बाद सवाल नंबर 1 है, किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है? इसका जवाब आप लिखेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात को रहमत वाला कहा गया है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, सवाल नंबर 1 है, किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है? इसका जवाब है, अल्लाह ताला की ज़ात को रहमत वाला कहा गया है। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये लाइन छोड़ के किया है काम, आपने भी इसी तरह उर्दू की कॉपी पे लाइन छोड़ के ही काम करना है। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 है हमारा, इस नज़्म में अल्लाह ताला के कौन कौन से नाम आए हैं? इसका जवाब आप लिखेंगे, जवाब के लिए जीम लिखेंगे, अल्लाह, इलाही, मालिक, रब। यानी हमने इस नज़्म में अल्लाह ताला के जो नाम आए थे वो नाम बताने हैं कि कौन कौन से थे, वो आप जवाब में लिखेंगे। इस नज़्म में अल्लाह ताला के कौन कौन से नाम आए हैं? जवाब में लिखेंगे, अल्लाह, इलाही, मालिक, रब। स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं सवाल नंबर 3, इस नज़्म को हम्द क्यों कहा गया है? सवाल नंबर 3 है, इस नज़्म को हम्द क्यों कहा गया है? इसका जवाब आप लिखेंगे, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है। जैसे कि मैंने आपको रीडिंग के दौरान भी बताया था कि वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसको हम्द कहते हैं। तो यहाँ पे सवाल भी पूछा जा रहा है, इस नज़्म को हम्द क्यों कहा गया है? इसका जवाब है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है। स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 सवाल जवाब हैं जो आपने उर्दू 1 की नीट कॉपी पे लिखने हैं नीट राइटिंग में, और इनको अच्छे तरीके से याद भी करना है। अल्फाज जुमले जो हैं वो आपका घर का काम है, आपने अच्छे तरीके से पेरेंट्स की हेल्प से अच्छे अच्छे जुमले बनाने हैं, और ये जो सवाल जवाब हैं ये आपने लिखने हैं नीट कॉपी पे, जिस तरीके से मैंने बताया पेज रेडी करने का, वैसे ही पेज रेडी करेंगे उर्दू 1 का, और उसके ऊपर ये आप लिखेंगे और इसको अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 4 मुकम्मल हो गया है। शुक्रिया।